हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आप सबको मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं, ये आप देख सकते हैं, ये इसमें जल है डिब्बे में और ये थोड़ी मिठाई है और मैं जा रहा हूँ अपने देव पितरों पर आज पूजा के लिए। चलो आज स्टार्ट करते हैं। ये मैं घर से निकल चुका हूँ, ये सुबह हमारा ट्रैक्टर है और अभी आप गांव में और अभी मैं अपने खेतों पे जाऊंगा। काफ़ी लंबा सफ़र है, अभी चलते हैं। चलो ये मैं निकल गया हूँ। ये हमारे गांव का रास्ता है, मेन रास्ता, ये रोड आती है हमारे गांव में और अभी मैं यहाँ से पैदल चल रहा हूँ। अभी मैं गांव में से बाहर भी नहीं निकला हूँ, अभी पैदल ही चल रहा हूँ। अभी भी मैं गांव के रास्ते पे ही हूँ, अभी मैं बाहर नहीं निकला हूँ। और यहाँ से कुछ थोड़ा आगे चलने के बाद मैं दूसरे रास्ते पे मुड़ जाऊँगा, इसको मैं छोड़ दूँगा। वो रास्ता मैं लेके जाएगा मेरे देव पितरों पर, जहाँ पर हमारे थाने और जहाँ पर हम पूजा करने के लिए जा रहे हैं। चलो अभी देखते हैं। गांव के मेन रास्ते को छोड़कर अब मैं दूसरे रास्ते पर मुड़ रहा हूँ और अभी आप देख सकते हैं यहाँ से जो ये मैं रास्ता दिखा रहा हूँ, ये सीधा हमारे मेन बाज़ार को जोड़ता है। और उसके बाद जो ये रास्ता जो जाएगा वो मेरे जो हमारे खेत हैं, ये रास्ता उन पर जा रहा है। अभी खेत का नज़ारा भी देख सकते हैं, ये देखिए आप। चलिए आप फिलहाल गांव में जो खेत होते हैं उनका नज़ारा देखिए। ये देखिए चारों तरफ हरियाली देखने को मिलेगी, पेड़ ही पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। ये फिलहाल जो फसल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गेहूँ की फसल है। ये गेहूँ की फसल बो दी गई है और उसके बाद ये अभी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है खाद पानी डालने के बाद। और रास्ता आप देख सकते हैं जो सीधा, ये रास्ता जो मुड़ रहा है, एक तो रास्ता मुड़ रहा है कि इस रास्ता सीधे जा रहा है। ये हमारे गांव के जो शमशान घाट हैं और ये उन पर जाते हैं। मैं आपको शमशान घाट भी दिखाता हूँ, दिख रहा होगा आपको। जय माता। देखिए आप चारों तरफ हरियाली हरियाली हरियाली। गांव में काफ़ी ज़्यादा पेड़ होते हैं, पेड़ लगाते हैं खेत के चारों तरफ लगाते हैं, इससे बाउंड्री भी बनी रहे और अपना पेड़ भी हो जाए। अभी आप ये देखिए, ये फसल आप गन्ने की देख रहे हैं, ये गन्ने की फसल हमारे यहाँ पर है। चलो अभी आपको दिखाते हैं गोभी की फसल, गोभी की। अभी गोभी हमारे खेत में लग चुकी है, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये आप सामने खेत देख रहे हैं गोभी का। आओ पार्टी आज लग जाएगी। चलो ठीक है, लगवाओ। देखिए हमारे ताऊ जी गोभी की फसल फाड़ रहे हैं, गोभी की पोल लगी हुई है। अभी आप सब लोग देख सकते हैं गांव से और हमारे खेत की काफ़ी दूरी है और अभी मुझे आगे से एक बार फिर दोबारा मुड़ना पड़ेगा। और मैं अगर आपको दिखाऊँ, अगर आप वो देखिए आप सामने, अगर देख सकते हैं वाइट स्थान जो दिख रहे होंगे आपको, वो हमारे देव पितरों के स्थान बने हुए हैं। ये हमारा खेत, यहाँ से दूसरा खेत स्टार्ट हो जाता है। इसमें हमने पशुओं के लिए चारा बोया था लेकिन वो सही से ग्रो नहीं कर पाया, हो नहीं पाया और कुछ थोड़ा हो पाया, सही लेट की वजह से नहीं हो पाया। वो सामने आप गन्ना देख सकते हैं। उसके बाद आपको मैं एक अपना खेत दूसरा दिखाता हूँ, उसमें गोभी की हमने फसल लगाई हुई है। अभी मैं चले, अभी पाँच मिनट की, पाँच नहीं शायद दो तीन मिनट तो दूर है मैं ही जहाँ पर मैं पहुँचना था। आप इस खेत में देख सकते हैं, इसमें गोभी की फसल लगी हुई है। ये इस तरफ सरसों की फसल है, ठीक है। और ये हमने खेत पे अपने एक छोटी सी टपरी टपरी डाली हुई है जहाँ पर हम बैठते हैं, ताऊ जी बैठते हैं, पापा भी आ जाते हैं हमारे और यहाँ पर रखवाली करते हैं पशुओं की। जंगली पशु यहाँ पर आ जाते हैं वो, जिससे हमारी फसल को नुकसान कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं छोटी सी। उसके बाद आप ये देखिए गेहूँ की फसल, ये दूसरा खेत स्टार्ट हो गया हमारा, थोड़े पेड़ लगे हुए हैं यहाँ पर। और अभी ये दूसरे का खेत है, ये एक समाधि बनी हुई है, एक जो दूसरे तरफ गुजर गए थे उनको यहाँ पर क्रियाक्रम किया गया था और ये उनकी दूसरी फसल है। और फाइनली अब मैं एक अपने दूसरे खेत में एंटर हो चुका हूँ और जहाँ पर वाइट झंडे दिख रहे हैं मुझे वहाँ पर पहुँचना है और मैं जा रहा हूँ अभी खेत के रास्ते से।
गांव में ज़्यादातर जो देवी पितरों और स्थान जो होंगे पूजा पाठ के जो स्थान देवी पितरों के होते हैं वो गांव खेत में ही होते हैं, लेकिन वो खेत में बनाए होते हैं ज़्यादा सबके, लेकिन कुछ कैसे होते हैं घरों में भी होते हैं। तो हमारे तो जो देवी पितरों के स्थान बने हैं वो हमने खेत में बनवाए, पहले से ही थे, हमने क्या बनवाए। और ये हमारी गेहूँ की फसल दूसरे खेत की, ये थोड़ी कमज़ोर फसल है, देखते हैं क्या ग्रो करेगी। और हम पहुंच चुके हैं अपने देव पितरों के स्थान पर, ये झंडे लगाए हुए हैं हमने देव पितरों के, ये पेड़ लगाए थे हमने आम के, देख सकते हैं दो पेड़। जय हो देव पितरों महाराज, आप सब दर्शन करें हमारे देव पितरों के। तो दोस्तों हमने अपने देव पितरों की पूजा कर लिया, आशीर्वाद ले लिया है, भगवान सबका भला करें। और अभी आप भी देख सकते हैं मेरे देव पितर हैं, और यहाँ पर हमने एक आम का पेड़ लगाया हुआ है, ये हमारे पॉपुलर के पेड़ है, और ये कुछ हमने सरसों खेती की हुई है इसके बैक साइड में, और ये आप गेहूँ की खेती देख सकते हैं। उसके बाद हमने अपनी जो हमारी फसल है वो गोभी की फसल है, जिसकी अपनी बॉन्डी की हुई है कपड़े से, और ये हमारी गन्ने की फसल है, और इस साइड भी गन्ना है हमारा।